तो हम हैं ऊंचाई पे गबाला की, आप देख रहे हैं पूरा हम बर्फ में नहा चुके हैं। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम अजरबैजान। दिस इज आवर डे टू इन अजरबैजान एंड यस्टरडे वी डिड आवर सिटी टूर बाकू में, और आज हमने बुक करा है अपना गबाला डे ट्रिप फ्रॉम बाकू, विच इज़ अ 12 आवर्स ट्रिप फ्रॉम 9 AM टू 9 PM। और क्या ट्रिप है, क्या प्राइस है, कहाँ से बुक करा है, वो सारी डिटेल्स हम आपको वीडियो के एंड में शेयर करेंगे अगर हमें ये ट्रिप पसंद आया। सो गाइज, जस्ट टू गिव यू अ कॉन्टेक्स्ट, उस दिन तक अजरबैजान में एक बार भी उससे पहले स्नोफॉल नहीं हुई थी। एवरीथिंग वॉज वेरी क्लीन एंड क्लियर, बट जिस दिन हमारा गबाला का टूर था उसी दिन हमारे निकलने के बाद से स्नोफॉल शुरू हो गई, जो कि वहां पर इस सीजन की पहली स्नोफॉल थी। गाइस, ये मोमेंट, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम एक्सपीरियंसिंग स्नो। आई थिंक शायद बचपन में किया था, बहुत बहुत टाइम पहले, मुझे याद भी नहीं है। और ये एक्सपीरियंस डिफरेंट एक्सपीरियंस है, भले ही थोड़ी सी स्नो पड़ रही है, बट दिस इज लाइक ट्रूली, what can I say? I don't know man, this is amazing. So guys, हमारा पिकअप होटल से सुबह 9 बजे था, और इतनी जल्दी जल्दी हम सुबह उठ के रेडी हुए कि ब्रेकफास्ट करने का या मिजैन को ब्रेकफास्ट कराने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं था। तो मिजैन के लिए हमने घर से ब्रेकफास्ट बना के लंच डिनर सब कुछ उसका पैक कर लिया था, बिकॉज ऑब्वियसली वो अभी इतनी छोटी है कि अभी तक हम उसको बाहर का खाना बिल्कुल भी नहीं देते हैं। एंड वी वर इम्प्रेस्ड कि दुबई की तरह अजरबैजान में भी पुलिस को ये लोग लग्जरी कार्स देते हैं। इट्स ऑलमोस्ट -1 degree और स्नो पड़ रही है। यहाँ पे रुके हैं एक सुपरमार्केट में कुछ सामान लेने के लिए, एंड फ्रॉम हेयर गबाला इज 3 आवर्स का ड्राइव, और मेरे हाथ ऑलमोस्ट फ्रीज हो रहे हैं, बट मज़ा आ रहा है बिकॉज ऑफ दिस एक्साइटमेंट। टूर स्टार्ट करने के 2 घंटे के बाद ही हमें मिली ये बैड न्यूज़। तो गाइज, जब हम बाकू से निकले और हमें 1 घंटा ही हुए थे, तो जो हमारा टूर गाइड है उसे फ़ोन आ गया कि गबाला में स्नो पड़ रही है, बहुत हेवी स्नो पड़ रही है, और ये बिकॉज इस मौसम की, इस सीज़न की पहली या दूसरी स्नो थी, तो इसकी वजह से ये लोग इतने प्रिपेयर नहीं थे, और जो रोड्स हैं वो काफ़ी ब्लॉक हो गई हैं, काफ़ी ख़तरनाक हो गई हैं। जो रास्ते में पुलिस भी थी, उसको बोला कि आप क्यों जा रहे हो ऊपर, आपको शायद प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो टूर गाइड था उसने बोला कि आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए और लेट्स कैंसिल दिस होल टूर। तो फिर हम बोला कि भाई, हम लोग इतने दूर से आए हैं सिर्फ यही स्नो देखने के लिए, बिकॉज हम लोग रेगिस्तान में रहते हैं, डेजर्ट में, दुबई में, और वहाँ पर ये ऐसा कभी हम देख सकते हैं। पहले हमने सोचा कि हम कल का कर लेते हैं, बट उसने बोला कि आगे 3-4 दिन तक सेम ही रहने वाला है वेदर, यही हैवी स्नोफॉल होती रहेगी। तो देन वी थॉट कि नहीं, कोई फ़ायदा नहीं, अगर आगे 3-4 दिन तक भी सेम ही रहना है तो वी डोंट हैव एनी ऑप्शन, आज कैंसिल करके हम कल भी नहीं जा पाएंगे, और हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है, हमें वापस दुबई जाना। तो वी सेट कि नहीं, हमें तो जाना है, आज ही करना है, आप कैसे भी करके। एंड देन कॉल्ड टूर मैनेजर, उसने बोला ठीक है, काम करते हैं कि इनमें से 2 जगह है, एक मॉस्क है और एक वाटरफॉल, उसको आप निकाल दीजिए, एंड देन जो टाइम बचता है उसको आप रोड पर लगाइए और गाड़ी को धीरे धीरे चलाइए, ताकि 60-70 किलोमीटर पर चल के आप जल्दी से गबाला जाएँ, वहाँ पर जो 2-3 पॉइंट्स हैं वो देख कर। ट्रिप को थोड़ा हमने शॉर्ट कर दिए, बट वी आर मेकिंग श्योर कि हम बर्फ देख कर आते। तो लेट्स सी, आपको दिखाते हैं आगे क्या होता है। तो गाइस, हम रुक गए हैं यहाँ पर लंच करने के लिए, और दिस इज मिजैंस फर्स्ट नाउ। Beautiful. This is what we came for. All the way from Dubai. See. And we are really loving it. और हमें कोई regret नहीं है कि हमने तूफान दाग जाने के लिए 2-3 important places skip कर दिए। और लंच इंक्लूडेड है इस टूर में, और बेस्ट पार्ट ये है कि ये यहाँ का जो लोकल खाना है वही सर्व कर रहे हैं। और आप में से जो लोग हमें पुरानी काफ़ी वीडियोस से फॉलो कर रहे हैं वो ये बात ऑलरेडी जानते होंगे कि हम जिस भी कंट्री में जाते हैं हम वहाँ का लोकल खाना खाना हमेशा प्रेफर करते हैं।
एंड दिस इज़ द रेस्टोरेंट वेयर दे स्टॉप्ड एंड टुक अस फॉर लंच। और गाइज आगे बढ़ने से पहले जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उनके नॉलेज के लिए हम बता दें कि हमारी दुबई बेस्ड एक ट्रैवल कंपनी है और हम दुबई के लिए फ़्लाइट, होटल, वीज़ा, साइट सीइंग सारी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं, वो भी बहुत ही बेस्ट प्राइस पे। तो अगर आप लोग दुबई ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं तो आप हमें इस ईमेल एड्रेस पर ईमेल कर सकते हैं फॉर योर दुबई पैकेज, या फिर आप हमारी वेबसाइट पर जाके हमें डायरेक्टली व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस है customer.service@indiansabroadtravel.com और वेबसाइट है indiansabroadtravel.com। एंड नाउ वी आर हेडिंग टू आवर फर्स्ट स्टॉप विच इज़ नुहूर लेक। और मिस जैन को यहाँ पर भी अपनी फेवरेट डक्स देखने को मिल गई हैं। एंड नाउ शी इज़ लाइक डक डक, अब उसको डक्स के साथ खेल रहा है। एंड यू वोंट बिलीव गाइज, मिजैन का फर्स्ट वर्ड था जे और सेकंड वर्ड था डक। अगर आप समर्स में यहाँ आएंगे तो यहाँ की खूबसूरती को देख के आपके होश उड़ जाएंगे, बिकॉज ये लेक चारों तरफ फॉरेस्ट से सराउंडेड है। हम लोग तो यहाँ विंटर्स में आए हैं तो सब कुछ स्नो से कवर्ड है, एवरीथिंग इज़ वाइट, बट हमारा यहाँ आने का पर्पज़ भी यही था, स्नो इन्जॉय कर पाना। बट अगर आप लोग समर्स में आएंगे तो बहुत ही खूबसूरत व्यू होगा यहाँ का। इस लेक के पानी का कलर इतना प्यारा ग्रीन कलर का होता है, आई मीन सीरियसली यू विल बी ब्लोन अवे बाय इट्स ब्यूटी एंड द कलर ऑफ द लेक। और आप चाहें तो यहाँ पर बोट राइड भी ले सकते हैं। और माइक की बैटरी ख़त्म हो गई थी जिसका हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, और जो भी हमने यहाँ पर बोला वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो हम लोग यहाँ पर ये बता रहे थे इस दिन टेम्परेचर -डिग्रीज में था और बहुत ज़्यादा हैवी स्नोफॉल हो रही थी, बट द बेस्ट पार्ट वॉज कि इट वॉज नॉट विंडी एट ऑल और बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही थी। हम लोग बहुत ईजिली नॉर्मली इंजॉय कर पा रहे थे और मिजैन को लेके भी हमें बिल्कुल भी कोई डर नहीं था, टेंशन नहीं थी कि उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, अनलाइक हाउ वी एक्सपीरियंस्ड इन बाकू ऑन आवर फर्स्ट डे। और आप में से जिन लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो जाके वो वीडियो ज़रूर देखें, इट विल हेल्प यू प्लान योर ट्रिप टू बाकू एंड व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम द कैपिटल सिटी ऑफ अजरबैजान व्हिच इज़ बाकू। और यहाँ पर बेस्ट टाइम विजिट करने का डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंट्री में रहते हैं और कहाँ से अपना ट्रिप प्लान कर रहे हैं। तो अगर आप इंडिया से अपना ट्रिप प्लान करें और आप इंडिया में रहते हैं तो आप अपना ट्रिप स्प्रिंग सीजन में ही प्लान करें, बिकॉज उस टाइम पर यहाँ की नेचुरल ब्यूटी एकदम नेक्स्ट लेवल पर होती है। बट अगर आप भी हमारी तरह किसी मिडिल ईस्ट की कंट्री में रहते हैं और रेगिस्तान देख देख के बोर हो चुके हैं और आप स्नो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, देन यू कैन प्लान योर ट्रिप इन विंटर्स। सो गाइस हम आ गए हैं गबाला के टॉप पर, स्की रिजॉर्ट, तूफान दाग रिजॉर्ट, जहाँ पे आपका ये केबल कार होता है। एंड इट्स स्नोइंग। और क्योंकि हमारे टूर में टिकट्स इंक्लूडेड नहीं थी सो वी हैड टू बाय इट फ्रॉम द काउंटर। तो हम बहुत साल बाद स्नो देख रहे हैं, आई थिंक स्विट्ज़रलैंड के बाद अब जाके हमने अजरबैजान में स्नो देखी है। एंड स्विट्ज़रलैंड वॉज लॉन्ग बैक, बहुत साल पहले, बिकॉज उसके बाद से हम अपने जितने भी ट्रिप्स प्लान करते हैं वो शोल्डर सीज़न में ही प्लान करते हैं, बिकॉज इट्स द बेस्ट वेदर टू विजिट एनी प्लेस, बिकॉज ना एक्सट्रीम कोल्ड होता है ना एक्सट्रीम हॉट होता है, आप बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीज़ें इंजॉय कर पाते हैं। सो इस केबल कार का टिकट कॉस्ट था 16 मन्नत पर पर्सन, जिसमें कि आना और जाना दोनों साइड का टिकट कॉस्ट कवर्ड था। तो हम हैं ऊंचाई पे गबाला की, आप देख रहे हैं पूरा हम बर्फ में नहा चुके हैं। दिख रहा कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्नो हो रही है, आज बहुत ज़्यादा स्नोफॉल है और इस सीज़न की पहली स्नोफॉल है आज, और लकीली हमें देखने को मिल गई, और आज बहुत डेंजरस भी था बट वी टुक अ चांस एंड वी मेड इट।
लाइफ में कभी भी लगता है कि हाँ बहुत डिफ़िकल्टी होने वाली है और मैं आई गिव अप, मैं नहीं करूँगा, तो गिव अप नहीं करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए। तो आज हमने वही किया, हमने कोशिश किया और हमने काफ़ी कुछ अचीव किया। कुछ चीज़ें नहीं देखी बट जो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था वो हमने यहाँ देख लिया, जिसके लिए हम इतने दूर से अज़रबैजान आए थे। फाइनली वी आर एबल टू सी दैट। सो गाइज 5 बज रहे हैं और 5 बजे लास्ट केबल कॉल होती है, तो हमारे टूर गाइड से हमें कॉल आ चुका है, तो वी आर जस्ट रनिंग टूवर्ड्स दैट टू कैच द लास्ट केबल का। तो गाइज अगर आप भी हमारी तरह बाकू से डे ट्रिप लेने वाले हैं गबाला के लिए, तो आपको इन बातों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्टली अगर आप बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट लंच डिनर तीनों मील दूध फ्रूट्स बिस्किट्स ये सब चीज़ें ज़रूर कैरी करें। जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि इसके लिए आपका होटल से पिकअप 9 बजे हो जाता है, तो आपको 8 बजे उठ के जल्दी से रेडी होना पड़ेगा, सो आपको ब्रेकफास्ट करने का टाइम नहीं मिलेगा। और आप लोगों के बच्चों का हमें पता नहीं बट मिजैन तो सुबह सो रही थी और हम उसे नींद में ही उठाकर लेकर आ गए, क्योंकि ये बहुत लंबा टूर होता है और हमने तो बीच में से 2 जगहें उनको स्किप करने के लिए बोल दिया था बिकॉज ऑफ द स्नोफॉल, बट उसके बावजूद भी हम लोग वापस अपने होटल रात को 10:30 बजे पहुँचे थे। बट थैंकफुली कि हमारा होटल निज़ामी स्ट्रीट पे था जो कि बहुत ही लाइवली और हैपनिंग एरिया है, तो वहाँ पे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट वगैरह ओपन थे और हमारे होटल के एग्जैक्ट सामने ही मैकडॉनल्ड्स था, तो एटलीस्ट हमें उस रात भूखे नहीं सोना पड़ा। बट हमारे साथ जितने को पैसेंजर्स थे, जब उनका ड्रॉप ऑफ हो रहा था तो उनके होटल के पास आसपास कोई भी रेस्टोरेंट नहीं था, सो गॉड नोज कि उन्होंने कैसे मैनेज किया होगा। एंड गाइज आई कुड नॉट गेट ओवर विद दिस व्यू, आई मीन सीरियसली इट वॉज सो मैजिकल एंड आई एम सो ग्लैड दैट वी प्लान्ड दिस ट्रिप इन विंटर्स, सो वी कुड एक्सपीरियंस समथिंग कम्प्लीटली डिफरेंट देन आवर यूजुअल ट्रिप्स। सो गाइज ये वाला वीडियो पसंद आया तो इसको ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम इस तरह की और भी यूजफुल हेल्पफुल इंफॉर्मेशनल और एंटरटेनिंग वीडियोज़ बनाते रहें। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे, अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।